ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عجب فیض دیکھا میں نے اپنے نبی کی محبت کا اے اقبال درود ان پہ پڑھتا ہوں تو رحمت مجھ پہ برستی ہے بلند آواز سے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے علی کے نام سے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے کہو بے شک علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے میں عنبر اس لیے علی کا ذکر کرتا ہوں کہ انہی کے در سے میں اس لیے عنبر علی کا ذکر کرتا ہوں کہ علی کا خون محمد سے ملتا ہے جنت بھی ملے گی کوثر بھی ملے گا جنت بھی ملے گی کوثر بھی ملے گا اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا میرے انتہائی واجب الاحترام اور مدرسہ تعلیم القرآن میں آنے والے اور آنے والیوں میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اے بچوں ادھر آجا دفعہ ادھر کوئی نہ ادھر جائے اے نہیں خطی میں لگایا کہ دیوکو ادھر آجا
कारी साहब इनको डांटो जरा इधर करके बैठो, तवज्जो रखना भाई। के मदरसा तालीमुल कुरान में आप लोग आए हो, आज हमारे प्रोग्राम की दो वजह हैं। एक तो ये आप सब लोग जानते हैं 10 मुहर्रमुल हराम है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत है। नंबर दो, हमारे बच्चों ने, तीन बच्चों ने नाजरा कुरान पाक पढ़ा है, उनकी भी दुआ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप लोगों को बात समझ में आए तो कह देना सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो तवज्जो रखना फिक्र करना। तवज्जो है आप लोगों की? शादे मैं आपको देख रहा हूं, सीधे होकर बैठो सारे, आप सारे मेरे नजरों के सामने हैं। महफिल के कुछ आदाब होते हैं और हकीकत बात है, अगर तुम अदब के साथ बैठोगे अल्लाह इलम भी देंगे, अल्लाह अमल भी अता करेंगे। तो इसलिए अदब के साथ बैठना है। तो गुजारिश है कि साथी जो पीछे जरा आगे आगे तशरीफ ले, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं भाई? चार बेटियां। एक को हजरत ज़ैनब कहते हैं, एक को हजरत उम्मे कुलसूम कहते हैं, एक को हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्हा कहते हैं, एक को हजरत सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा कहते हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई, तीन अल्लाह ने बेटे दिए। सबसे छोटी बेटी का नाम हजरत सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। यह हजरत अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई। सबसे छोटी बेटी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी से बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ा ही प्यार करते, और यही बात नहीं इतनी मोहब्बत करते थे कि जब हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फातिमा भी है, इनका नाम लकब बतूल भी है, इनको जहरा भी कहते हैं। जहरा किसे कहते हैं? जारा फूल को कहते हैं। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो मेरा फूल है, लकब पड़ गया फातिमा तो जहरा नबी का फूल है। तवज्जो रखना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फरमाया जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मैं मोहम्मद को तकलीफ दी, और यहीं पे बस नहीं कर दी, फरमाया कि फातिमा व फातिमा तो सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार है। अरे कौन फातिमा? वो फातिमा जब बचपन का आलम है, इनका रंग अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया, नबी की झलक इनके चेहरे पे नजर आती थी, अल्लाह ने बड़ा ही खूबसूरत बनाया। दिन गुजरते गए, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अभी बच्ची हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको गोद में उठाते, सीने के साथ लगाते, इनसे लाड़ करते, इनसे प्यार करते, जब घर तशरीफ लाते फातिमा के हाथों को चूमते, और वो फातिमा मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का बोसा लेती, रुखसार का बोसा लेती, होंठ चूमती, माथे का बोसा लेती। क्या प्यार था मेरे और तेरे नबी मक्का की गलियों में तबलीग कर रहे हैं, रब का कुरान सुना रहे हैं, दुश्मन उठते हैं पत्थर मारते हैं, मेरे और तेरे नबी प्यारे नबी समीन पे गिरते हैं, फातिमा दौड़ी दौड़ी जाती है अपना दुपट्टा लेती है, रहमत वाले नबी के सर से खून साफ करती है, पसीना साफ करती है, खून उतारती है, रोने लग जाती है। अरे क्या मंजर होगा जो बेटियां वाले बैठे हो जरा सोचना, वाह क्या मंजर होगा। फातिमा रोती जाती है साथ खून भी साफ करती जाती हैं। रहमत वाले नबी को होश आया ना, फातिमा को सीने के साथ लगाया, सीने के साथ लगाकर कहा बेटा रो ना, तेरे बाबा का दीन हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंच के रहेगा। फातिमा ने दुख सहे, फातिमा ने तकलीफें सही, लेकिन अपने बाबा का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी नमाज में मशगूल हैं, एक आदमी ने आके काफरों ने ओजड़ी लाकर प्यारे नबी की पुश्त पे रख दी, फातिमा ने देखा बेटी थी, बेटी थी प्यार था,
दौड़ी गई अपने नन्ने नन्ने हाथों से ओजड़ी को नीचे खींचा है और रोने लगी। रोकर कहती है, ओ जालिमों, ओ काफरों, मेरे अब्बा का अखलाक तुम्हारे साथ क्या है? मेरे अब्बा तुमसे कितना प्यार करते हैं, वो तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? रहमत वाले नबी ने सलाम फेरा और फेर कर फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे बाबा का दिन हर कच्चे और पक्के मकान पर पहुंच कर रहेगा। ये फातिमा क्यों? परवरिश अच्छी हो, बच्चियों की परवरिश हो तो वह बच्चियां अगले घर जाके भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। अगर बच्चियों की परवरिश नहीं है, अगले घर जाके माँ बाप का उनके नाम पे दाग लगाती हैं। अल्लाह तमाम बच्चियों को हया नसीब फरमाओ। अल्लाह हर बेटी, हर घर के अंदर हर माँ बाप को अल्लाह फातिमा जैसी बेटी नसीब फरमाए। कहो आमीन। दिन गुजरते गए, हजरत सईदा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा जवान हो गई। अब जो है जवानी का आलम है। अबू बकर के दिल में ख्याल आया, यार नबी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, क्यों ना हो मैं अपना रिश्ता नबी से मांग लूं। फातिमा अबू बकर के, हुजूर रिश्ता लेना है। कहा अबू बकर, जो अल्लाह का हुक्म होगा, मैं अपनी तरफ से फैसले नहीं करता। क्यों? उमर के हुजूर रिश्ता? फरमाया नहीं। والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى نہیں میں وہی کرتا ہوں ان هو الا وحی یوحى جو اللہ حکم دیتے ہیں۔ اب دونوں نے سوچا ہمیں تو ہو گیا جواب، کیوں نہ ہو علی کو بھیج دیں۔ کس کو بھیج دیں؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی توجہ رکھ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اب دونوں نے علی کو مشورہ دیا، علی تو جا۔ अली जवान है, कहने लगे मैं कैसे जाऊं, मैं तो नबी के घर में पला हूं, मेरा तो घर अपना नहीं, मकान अपना नहीं, मैं कैसे जाऊं, गरीब हूं। फरमाया तू जा तो सही, अल्लाह के नबी ना नहीं फरमाएंगे। हजरत अली जाते हैं, जाकर बैठ जाते हैं। रहमत वाले नबी ने फरमाया, अली कैसे आए हो? कहा हुजूर आया हूं। फरमाया अली बोल तो सही। अली चुप है। रहमत वाले नबी समझ गए, मुस्कुरा के कहा अली, कहा हुजूर वो बाहर जो अबू बकर उमर खड़े हैं उन्होंने भेजा। कहा अच्छा। रहमत वाले नबी मुस्कुराए और कहा अली अहलन वसहलन मरहबा। जब ये कहा ना अली बाहर, अबू बकर उमर बाहर खड़े, फरमाया है अली क्या बना? कहा यार तुमने कहा था अल्लाह का नबी ना नहीं फरमाएंगे। उन्होंने कहा अहलन वसहलन मरहबा, कोई जवाब ही नहीं दिया, हाँ ना नहीं की। अबू बकर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया अली मुबारक हो, मैं नबी का राजदार हूं। अगर नबी ने ये कहा है तो समझ लो तेरा रिश्ता पक्का हो गया, तेरा रिश्ता। अली खुद गए हैं रिश्ता लेने के लिए, अली खुद गए हैं। अगर कोई नौजवान अगर वली है उसका तो सारे इकट्ठे जाए तो बेहतर, अगर कोई अकेला भी चला जाए तो जाने वाला ना हो। ये भी अली की सुन्नत है, ये भी अली की। अल्लाह अकबर कबीरा। रहमत वाले नबी बैठे हैं, खामोश हैं। जिब्राइल, अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया दौड़ कर जाना, मुझे अली का आना बड़ा पसंद लगा, अबू बकर उमर का भेजना अली को बड़ा पसंद आया, मैं रब को बड़ा ही प्यार आया, जा मेरे प्यारे महबूब को जाके कह दे अल्लाह ने आसमानों पे अली और फातिमा का निकाह कर दिया है, महबूब जमीन पे निकाह कर दो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राइल दौड़े दौड़े आए हैं, दौड़कर आकर कहते हैं हुजूर मुबारक हो, मैं अल्लाह ने मुझे भेजा है और अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे कर दिया है। रहमत वाले नबी मुस्कुराए हैं, अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, ऐलान किया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ऐ लोगों जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हो गए, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। फरमाया अबू बकर उमर ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे कर दिया है, अब मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं अली और फातिमा का निकाह पिड़ा दूं, तवज्जो रखना। सहाबा बड़े खुश हुए, अल्लाह के नबी ने मस्जिद में अली को बुलाया है और अली का वहां निकाह होने लगा है। कहां होने लगा निकाह भाई? मस्जिद में। कहां होने लगा? आज हमारे यहां कहां निकाह होता है? बाजारों में, होटलों में। रहमत वाले नबी ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और सुन्नत इबादत है।
तो मस्जिद में निकाह करना ज्यादा अफजल है, मस्जिद में निकाह करना ज्यादा अफजल है। हाजी साहब समझ आ रही गल, मस्जिद में निकाह करना ज्यादा अफजल है। और तवज्जो रखना, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के पास गए हैं, अब बाप का देखो। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बताना चाहते हैं, जब बेटी का निकाह करना हो तो बेटी से पूछना चाहिए, बेटी से ये ना हो, बेटी जवान है, अकलमंद है, और बाप उसका कहीं और निकाह करना चाहते हैं। बेटी कहती है अब्बा मुझे समझ है, अकल है, वो लड़का ठीक नहीं। अब बाप का हक भी बनता है कि बेटी के साथ मशवरा करे, मां का हक भी बनता है कि बेटी से पूछे। आज बाप मां बात जगह पे अपनी बच्चियों पे जुल्म करते हैं, पैसे की खातर, रुपए की खातर। क्या होता है, चाची रिश्ता कर दिया, हाँ बेटा मैंने कर दिया, कहाँ किया, लड़का क्या करता, उसके बड़े जमीन है, जायदाद है, लड़का नौकरी लगा है जी, बड़े पैसे वाला है, नहीं जी लड़का कैसा है, बड़ा अमीर है। और नहीं, जब भी रिश्ता देखना हो, करना हो, दीन देखो, क्या देखो, दीन देखो, कि लड़का कैसा है, उसकी सीरत कैसी है। मालो दौलत ना देखो, सूरत ना देखो, सीरत देखो। अगर खुदा की कसम तुम सीरत देख के निकाह करोगे, ये तुम्हारी बेटी को पूरी जिंदगी के लिए खुश रखेगा। अगर मालो दौलत देखोगे, कई वाकियात ऐसे हैं, माछी वाल दूर नहीं है, कितने ऐसे वाकियात हैं, माँ बाप ने अमीर लड़के से शादी की, दीन नहीं देखा, क्या हुआ, दो माह के बाद लड़की को तलाक हो गई। नहीं, दीन देखो, अली का घर अपना नहीं, अली के पास मकान कोई नहीं, अली के पास जायदाद कोई नहीं, अली के पास कोठी बंगला जमीन जायदाद नहीं, लेकिन कौन रिश्ता दे रहे हैं, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, और इस उम्मत को दर्स दे दिया, ओ मेरी उम्मतियों, रिश्ता करना हो अमीर न देखो, गरीब न देखो, सीरत देखो, क्या देखो। प्यारे नबी घर गए, फरमा बेटा तेरा रिश्ता करने लगा हूं, कबूल है अली के साथ। हजरत फातिमा चुप हो गई, या थोड़ी सी रो ली या हंस ली। ये मसला याद रखें, कुंवारी लड़की से जब माँ या बाप पूछे, कुंवारी लड़की खामोश हो जाए, कुंवारी लड़की चुप हो, अपना मुस्कुरा दे, कुंवारी लड़की रोने लग जाए, ये उसकी हाँ में होता है, जब तक वो जुबान से ना कहे, ये हाँ में शामिल है। कहा बेटा ठीक है, तवज्जो रखना, वक्त भी कम है। कहा बेटा ठीक है, निकाह हजरत अली से होने के लिए जा रहा है। और रहमत वाले नबी ने फरमाया, सहाबा को मस्जिद में जमा किया, फातिमा घर में झाड़ू लगा रही है, और प्यारे आका ने अपनी बीवी ऐशा से कहा, अपनी बीवी उम्मे ऐमन से कहा, हफ्सा से कहा, एक जुमला कहा, कहा फातिमा, कहा ऐशा, उम्मे ऐमन, आज मेरी बेटी को तैयार कर दो, इसको संगार दो, इसके अच्छे कपड़े पहना दो, मेरी बेटी को आज इसकी माँ खतीजा याद ना आए। रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए, अरे कौन खतीजा, 25 साल की उम्र में मेरे और आपके नबी का अम्मा खतीजा के साथ शादी हुई, और वो अम्मा खतीजा जो प्यारे नबी के दुखों में के अंदर काम आई, जब लोग पत्थर मारते थे यही खतीजा प्यार करती थी, जब लोगों ने धक्के दिए यही खतीजा ने आसरा दिया, जब लोगों ने नबी का जिस्म लहू लुहान किया इसी खतीजा ने लहू साफ किया, जब लोगों ने प्यारे नबी का घर छीन लिया इसी खतीजा ने अपना घर दिया, जब लोगों ने नबी को तनहा छोड़ दिया इसी खतीजा ने साथ दिया, जब फातिमा की बारी आई खतीजा दुनिया से पर्दा करके चली गई, रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया, ऐशा आज मेरी बेटी को ऐसे अच्छे तरीके से तैयार करना, इसकी आंखों में आंसू ना आए, इसको मां याद ना आए। अम्मा ऐशा फरमाती है, जब मेरी नजर चौदहवीं के चेहरे वाले चांद जैसे चेहरे पर पड़ी, क्या देखती हूँ कि रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू जारी हैं और रो रहे हैं, और साथ एक जुमला कहा ऐशा अगर आज इसकी माँ खतीजा होती कितना खुश होती। अल्लाह किसी का माँ को ना ले, मौत इनकी बरहक है, लेकिन जिस बच्ची की माँ का साया सर से उठ जाए ना, उनको पता होता वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं,
जिस बच्ची के सर से बाप का साया उठ जाए उस बच्ची को पता होता है काश मेरा बाप होता। अल्लाह पाक तमाम वालिदैन की उम्रों में अलग बरकत अता फरमाए। और निकाह हो गया, खैर रहमत वाले नबी ने रुखसती का जब वक्त आया फातिमा का बाजू पकड़ा अली के हाथ में दिया और रहमत वाले नबी ने एक जुमला कहा, कहा फातिमा मैं तेरा उस हस्ती से निकाह कर रहा हूं जो मेरी आल में से भी है और जिससे मैं भी मोहब्बत करता हूं, अर्श वाला रब भी मोहब्बत करता है। दुनिया में सबसे जो बेहतरीन इंसान है मैं तेरे उसके साथ शादी कर रहा हूं। और एक जुमला कहा, जुमला क्या था, फरमाया बेटा अगर तूने अली की अमानत में खयानत की मैं मोहम्मद तेरी क़यामत वाले सिफारिश नहीं करूंगा। ये बेटियों का दर्स दो, ये नहीं होना चाहिए बेटा अगर तेनू तेरे ससुराल वाले कुछ कहना कपड़े चुपके तक साढ़े घर आ जी, ये माँ बाप का ये दर्स नहीं होना चाहिए। बेटी को अच्छा सबक दो, उसको कुरान सिखाओ, उसको मसाइल सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में 17 बच्चे 17 बच्चे इस वक्त आलिम का कोर्स कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जब फातिमा की शादी हुई दिन गुजरते गए, जहेज क्या था, हाय एक मुसल्ला, एक लोटा, एक चादर, ऐसी चंद चीजें हैं। अली का घर भी अपना नहीं, फातिमा जा रही है, अरे उस नबी की बेटी जो इमामुल अंबिया है खातिमुल अंबिया है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो बेटे वाले हैं, ओए जुल्म ना करो। आज लोग बेटियों से क्यों नफरत करते हैं, क्यों कहते हैं बेटी हो गई, क्यों? बेटी वाले बेटी भी देते हैं, सामान भी देते हैं, और लड़के वालों को शर्म नहीं आती। कितने मेरे आंखों के सामने ऐसे वाकयात हैं, फोन करते हैं, ओ जी हमारा 100 बंदा बराती होगा, लानत है तुझ पे, 100 बंदा तेरा बराती होगा, कभी पूछना लड़की वालों से। वो बेचारा बाप न जाने खुदा की कसम कर्ज उठाता है बाप, और जब बरात आती है झुकता फिरता है, बरात को बिठाता कोई नाराज ना हो जाए, नाराज हो गया मेरी बेटी को कल कुत्ता नहीं मिलेंगे, है ये मुसलमान है। और आपको बताता चलू ये बरात का खर्च लड़की वालों पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, वलीमा सुन्नत है, ये लड़के वाले के यहां लड़के पर जिम्मे है वलीमा, ये सुन्नत है, अगर अल्लाह ने दिया वलीमा कर, वलीमा पे कोई बकरा कोई कट्टा कोई मुर्गा करना जरूरी नहीं। अगर अल्लाह ने ताकत दी है कट्टा भी करो बकरा भी करो, लेकिन अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तुम किसी को चाय पिला दो ये वलीमा है, मीठा पानी पिला दो ये वलीमा है। आज जुल्म की इंतहा है, ये वीडियो बन रही है, मेरा पैगाम दुनिया के हर कोने में पहुंचना चाहिए। मैं उन वालिदैन को ये कहना चाहता हूं जिनके घरों में औलाद बच्चे जवान बच्चे हैं या जवान बच्चियां हैं, वो खुदा के लिए बच्ची वालों पे जुल्म ना करो, बच्चे वाले पे जुल्म ना करो। ये ना कहो हम इतना सोना लेंगे, ये ना कहो हम इतना संभाल लेंगे, वो खुदा की कसम जो बाप अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के देते हैं ना। बेटी जब रुखसत होती है उस बाप को पता होता है जब बेटी घर से जाती है। जो बेटियों वाले बैठे हैं दिलों पे हाथ रखो, जब बेटी घर से निकलती है ना जो बाप ने अपने सीने पे उसको पाला होता है। मेरी बच्ची 3.5 साल की है, यकीन जाना जब भी मैं घर जाता हूँ खुद ब खुद मेरे सीने पे आके बैठ जाती है। उस बाप को पता है जब बाप अपनी बच्ची को घर से रुखसत करता है, कभी भी बाप को ना कहो मैंने इतना सामान लेना है, मैंने मोटरसाइकिल लेना है, मैंने वो लेना, नहीं यार और छोड़ो लानत भेजता हूं मैं इस पे। यार बाप के पास जितनी ताकत थी उसने बच्ची दे दी, सामान दे दिया, क्या जरूरत है तुझे ज्यादा मुंह खोलने की। और जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया और तुझे क्या चाहिए, तो शुक्र सबर कर कि जिसने अपनी बेटी तुझे दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया। आज हमारे घरों में कितने घर ऐसे हैं जिनके घरों में जवान बच्चियां बैठी हैं सिर्फ इसी वजह से कि सामान नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें, है मर के कहां जाए। और आपको यह भी बताता चलूं, हजरत अली का जब निकाह हुआ मस्जिद में हुआ,
आराम के साथ, ना कोई ढोल है, ना कोई बाजा है, ना कोई दूध पलाई रसम है, और इसके अलावा ना जूता छुपाई रसम है। ओ मुसलमानों, ये मेरा ऐलान सुनो, आज घरों में दूध पलाई की रस्म की जाती है, जूता छुपाई की रस्म की जाती है, दूल्हे के साथ मजाक किए जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, ये मेरे नबी का दीन नहीं है। ये आदमी हुसैन नहीं हो सकता, ये आदमी मुसलमान कामिल नहीं हो सकता, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये हिंदुओं की रस्म है। किसकी रस्म है? हिंदुओं की रस्म है, मुसलमानों का तरीका नहीं। ओ नहीं जी, यह नवा मौलवी आ गया, मर पर फतवे लावा है, हैं? गाने बाजे तो बगैर ब्याह हुआ है, और तुम्हें शर्म नहीं आती? उस रहमत वाले नबी ने अपनी बेटी को जब रुख्सत किया, खुदा की कसम कुरान पढ़ते हुए रुख्सत किया। आज सर पे कुरान का साया किया जाता है, बच्ची के सर पे जब वो घर से निकलती है। मैं कहना यह चाहता हूं, ओए माँ बाप, बड़ा भाई, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। कुरान के साया करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने अपनी बेटी को कुरान का इलम दिया है कि नहीं दिया, इसको मिसाल समझाए है नहीं समझाए। रब ने ये नहीं पूछना कि तुमने कुरान का साया किया था या नहीं किया था, रब ने पूछना है, मैंने तुझे बेटी दी थी, बता तूने इसका अच्छा नाम रखा है या नहीं रखा, बता तूने इसको कुरान पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया, बता तूने इसको मसाइल सिखाए थे या नहीं सिखाए। रब ने ये पूछना है, रब ने वो नहीं पूछना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज आपको मेरी बातें बड़ी सख्त लगेंगी, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरा ताल्लुक उस खानदान से है, मैं बताना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे नाना है जो कर्बला के मैदान में कट गए, दीन पे आज नहीं आने दी। मैं सैयद हूं, मेरे बाबा अली है जो कट गए लेकिन दीन पे आज नहीं आने दी, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। नाराज होना है हो जाओ, लेकिन बात याद रखना, कोले नबी है कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। तवज्जो रखना, बातें बहुत सारी हैं, वक्त कम है। फातिमा की रुखसती हो गई, शादी हो गई, जा रही है। जब घर पहुंची, अली से मुतालबा नहीं किया, तेरे घर में कुछ भी नहीं, अली से मुतालबा नहीं किया, तेरे पास है क्या? नहीं, नहीं किया, कुछ भी मुतालबा नहीं किया। वाह फातिमा, तेरी अजमत को सलाम है। और वो फातिमा घर गई, रूखी सूखी खा के गुजारा कर रही है। एक दफा रहमत वाले नबी को पता चला फातिमा बीमार है, पता करने के लिए गए, दरवाजे पे पहुंच के दस्तखत दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? रहमत वाले नबी ने कहा, बेटा मैं तेरा बाबा मोहम्मद हूं। काबा, अकेले आए हो, कोई और भी है? कहने लगी, बाबा अंदर आने से पहले अपनी चादर मुबारक मुझे दे दो। हाय, रहमत वाले नबी ने दीवार से चादर दी। ओ ईमान वालों, जब चादर दी, फातिमा ने चादर ली, सर पे ली, और एक तरफ दरवाजे खोला, कोने की तरफ खड़ी हो गई। खड़ी होकर कहती है, प्यारे नबी घर से फरमाया, फातिमा क्या हुआ? काबू जी मैं क्या बताऊं, कई दिनों से मुझे खाना ना मिला, ना मिलने की वजह से बीमार हो गई। अब दवा के लिए पैसे नहीं है कि मैं दवा खरीद सकूं। रहमत वाले नबी आते हैं, साहबा कहते हैं, सीने के साथ लगाया और इस कदर रोए कि तैफ के पत्थर खा के ना रोए, और रो के एक जुमला कहा, फरमाए, फातिमा नाराज ना होना, सब्र कर, मैं तेरा बाबा,
तुझसे वादा करता हूं मैं तुम्हें जन्नत में आलीशान बंगला लेकर दूंगा। ये बाप का दर्स है, वो रूस के अपने माँ बाप के घर नहीं आई, ये माँ बाप को दर्स देना चाहिए अपनी बेटी को। बेटा रूखी मिले सूखी मिले, खुशी है गमी है, अपने शोर का साथ न छोड़ना। क्यों? तेरे शोर की रजा में रब की रजा है, तेरे शोर की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और फरमाया जब औरत अपने खामन से नाराज होके एक रात भी सोती है, पूरी रात फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं। खैर दिन गुजरते गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सईदा फातिमा तुज़ज़ारा रजी अल्लाह तआला को बेटा अता किया, जिसका नाम हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हसन नाम रख अपना हरब नाम रखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, फरमाया अली क्या नाम रखा है? हजरत अली को अल्लाह ने फातिमा के पेट से तीन बेटे अता किए, तीन बेटियां अता की। सबसे बड़े बेटे का नाम मोहसिन है, हजरत जब मोहसिन अपना सबसे बड़े बेटे का नाम हजरत हसन है जब पैदा हुए ना, प्यारे नबी घर तशरीफ लाए, पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हरब नाम रखा है। रहमत वाले नबी ने उसको उठाया है, सीने के साथ लगाया है, बोसा किया है और फरमाया अली इसका नाम हरब नहीं, मैं इसका नाम हसन रखूंगा। हसन बड़ा प्यारा नाम है। रहमत वाले नबी ने दाएं कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। रहमत वाले नबी ने अपना लुआ मुबारक निकाला या खजूर का टुकड़ा लिया, हसन के मुंह में दिया, चबाया। खैर वक्त कम है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक साल के बाद अल्लाह ने हजरत हुसैन अता फरमाए। जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए ना, रहमत वाले नबी घर तशरीफ लाते हैं। जब घर तशरीफ लाए ना, हजरत अली और फातिमा से पूछा, ए फातिमा अल्लाह ने क्या दिया है? अली और फातिमा कहने लगे, अब्बा जी अल्लाह ने हमें बेटा अता किया है। अली से पूछा, अली दिखाओ तो सही ना, अल्लाह के नबी ने जब हुसैन को लिया है चांद जैसा मुखड़ा है, बड़े प्यारे हैं, बड़े हसीन हैं, जब लिया है ना, रहमत वाले नबी ने बोसा दिया और उनके मुंह में अपना लुआ मुबारक डाला है, दाएं कान में अजान पड़ी है, बाएं कान में तकबीर पड़ी है। जब सातवां दिन आया ना, रहमत वाले नबी ने फरमाया अली नाम क्या रखा है? अली ने कहा हुजूर मैंने इसका नाम हरब रखा है। रहमत वाले नबी ने फरमाया नहीं अली, इसका नाम मैं मोहम्मद हुसैन रखूंगा। क्या नाम रखूंगा? हुसैन नाम रखूंगा। नाम रखा गया हुसैन। जब नाम रखा गया ना, दिन गुजरते गए, प्यारे नबी ने सातवें दिन हजरत हुसैन के बाल कटवाए हैं, फिर सातवें दिन हजरत हुसैन के नाम का अकीका किया गया, दो तुम्बे मेढे जिबा किए गए। सातवें दिन बच्चे का अकीका करना ये रहमत वाले नबी की सुन्नत है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो बच्चे का सातवें दिन बाल कटवाए जाए। फिर बालों के बकदर रहमत वाले नबी ने चांदी को अपना चांदी को सदका दिया है। फिर उसके बाद जो है रहमत वाले नबी ने नाम रखा है, अकीके में दो जानवर जिबा किए गए। लड़की हो तो एक जानवर जिबा करना पड़ता है, लड़का हो तो अकीके में दो जानवर जिबा करने पड़ते हैं। हजरत हुसैन के जब पैदा हुए, अकीके सातवें दिन अकीका किया, दो जानवर जिबा किए। हजरत हुसैन जब थोड़े से बड़े हुए ना, फातिमा कहते हैं रहमत वाले नबी इतना प्यार करते थे, एक दफा गली से गुजर रहे हैं रहमत वाले नबी, देखा फातिमा के घर से रोने की आवाज आई है, पूछा फातिमा कौन रोता है? सवारी से नीचे उतरे हैं रहमत वाले नबी, अपनी बेटी के घर गए हैं, बेटी के घर गए हैं। जब जाकर देखा हसन भी रो रहा है, हुसैन भी रो रहे हैं। रहमत वाले नबी ने हजरत हसन को उठाया है, सीने के साथ लगाया है, पूछा फातिमा क्या हुआ, क्यों रोते हैं? फातिमा रोकर कहती है, अब्बा जी मैं क्या बताऊं, मेरे सीनों में कई दिनों से मुझे खाना नहीं मिला, मेरे सीने में दूध खुश्क हो चुका है, दूध नहीं उतर रहा, बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। वाह फातिमा तेरी अजमत को सलाम है। रहमत वाले नबी ने हसन को लिया है, अपनी जुबान मुबारक निकाली है, हजरत हसन के मुंह में दी। हजरत हसन जुबान चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे। जब हजरत हसन चुप हो गए, उनको लटा दिया है, हजरत हुसैन को लिया है और अपनी जुबान मुबारक निकाली है, हुसैन के मुंह में दी है। हजरत हुसैन चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, फिर लटा दिया है। रहमत वाले नबी ने एक जुमला कहा, फरमाया फातिमा फातिमा जब हसन और हुसैन रोते हैं, मैं मोहम्मद का दिल दुखता है, ऐ फातिमा इन्हें रोने ना दिया कर, इन्हें रोने ना दिया कर। फातिमा कहती हैं, जब दूध पिलाती फातिमा रब का कुरान पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी?
मैं अपनी माँ और बहनों से ये कहना चाहूंगा, जब भी बच्चों को दूध पिलाएं तो रब का कुरान पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, तस्बीहात किया करें। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि जो माँ अपने बच्चे को वजू करके दूध पिलाएगी, बावजू होके दूध पिलाएगी, कुरान पढ़ते हुए दूध पिलाएगी, मैं दावे से ये बात कहता हूँ, खुदा की कसम उसका बेटा वक्त का वली बनेगा, वो बेटा माँ बाप के कदम को बोसा देगा। लेकिन बात याद रखना मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, जो बच्चा माँ की गोद में हो, माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए फेसबुक चलाए, माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए टीवी देखे, ड्रामा देखे, माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए चुगली करे, गीबत करे, बात याद रखना, ये बच्चा जब जवान होता है फिर माँ से कहता है, माँ पोंगना मेरे सामने, बोलिया ना कर, क्यों? परवरिश तूने ठीक नहीं की, काश तो अपने बच्चे की परवरिश ठीक करती, आज ये बच्चा तेरे कदमों का बोसा देता, आज ये बच्चा तेरे कदमों का बोसा देता। आज बच्चे का कसूर नहीं है, तूने इसको सिखाया क्या है, तूने इसकी तरबियत क्या की है। माँ का हक बनता पीराने पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्ला जब पढ़ने के लिए जाते हैं, माँ के उस्ताद कहता पढ़ो अलिफ, वल्ला के बने एक बंदे पढ़ते हैं बा, उस्ताद कहते हैं ता, वो कहते हैं सा, वो कहा तू पढ़ना है पढ़ाना है, पीरा ने पीर अब्दुल कादर जिलानी ने कहा मौलवी साहब आगे पढ़ाओ, मैंने 15 सिपारे अपनी माँ की गोद में हिफ्ज कर दिए। जब माएं ऐसी होती हैं तो अल्लाह औलाद भी हुसैन जैसी पैदा करते हैं, जब माएं बदलती हैं, जब माओ के सरों से दुपट्टा उतरता है, जब लड़कियां माएं शादी ब्याह के मौका पर नाचती नजर आती हैं, जब माएं टीवी देखती हैं, जब माएं गंदी चीजें देखती हैं, फिर बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं, बच्चों का कसूर नहीं है। माँ अपने गिरेबान में देखे, बाप अपने गिरेबान में झांके, मैंने अपने बच्चों को हराम तो नहीं खिलाया। खैर वक्त कम है, रहमत वाले नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हसन आए हुसैन आए कंधों पे आके बैठ गए, सलते की हालत में रहमत वाले नबी ने सलता लंबा कर दिया, इतना प्यार। और एक दफा खुतबा दे रहे हैं, सामने से हुसैन आए, रहमत वाले नबी खुतबे को दरान नीचे उतर गए, सहाबा उठा के लेकर आए, सीने के साथ लगाया, रहमत वाले नबी ने फरमाया हुसैन को जब रोता है तो मैं मोहम्मद का दिल दुखता है, हुसैन के पांव बार धूप में जलने लगे तो मैं मोहम्मद का दिल दुखने लगा। मैंने हुसैन को इसलिए उठाया है क्योंकि मैं हुसैन से प्यार करता हूं। और यही नहीं, ईद का दिन है, हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, अम्मा हमें कपड़े दो, हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं। फातिमा कहने लगे बेटा कपड़े कहां से लाऊं, गरीब हूं, घर में कुछ नहीं। बच्चे थे जिद कर बैठे, रोने लगे अम्मा हमें कपड़े चाहिए। इतनी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तखत हुई, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे, बाहर से आवाज आई फातिमा मैं हसन हुसैन के लिए कपड़े लाया हूं। दरवाजा खोला, कपड़े लिए गए, कपड़े बड़े खूबसूरत, खुशबू आ रही कपड़ों से, बड़े आला कपड़े हसन हुसैन बड़े को जब पहनाए तो इतनी देर में रहमत वाले नबी तशरीफ ले आए। फरमाया फातिमा कपड़े कहां से आए, का बाबा पता नहीं, हसन हुसैन रोने लगे, बाहर एक आदमी कपड़े दे गया। रहमत वाले नबी ने फरमाया फातिमा ये कपड़े लाना वाला इंसान नहीं था, ये कपड़े दुनिया से नहीं आए, अब्बा ये कौन लाया कपड़े। फरमाया बेटा जब हसन हुसैन रोए रब का अर्श हिल गया, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जिरब्बे जलील, फरमाया जा जन्नत से मेरे हसन हुसैन के लिए कपड़े लेकर जा। फरमाया फातिमा ये दुनिया वाले कपड़े नहीं, ये तो जन्नत की जन्नती लिबास है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने हुसैन, शाने हुसैन, शहादत हुसैन, नारे तकबीर। रहमत वाले नबी उम्मे सलमा कहती हैं, रहमत वाले नबी अंदर तशरीफ फरमाते, हसन को हुसैन को बुलाया, सीने के साथ लगाया और रोने की आवाज आई। रहमत वाले नबी रो रहे हैं, रोने की आवाज आई और यहां से बोसा ले रहे हैं, यहां से। उम्मे सलमा कहती मैं गई, मैंने जाकर पूछा हुजूर
हुसैन से तनहाई में बैठकर गला चूम रहे हो, प्यार कर रहे हो। रहमत वाले नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा मेरे पास जिब्राइल आए थे, वो आकर बता कर गए हैं प्यारे आपके नवासे हुसैन की यहां से गर्दन काटी जाएगी, यहां से गर्दन काटी जाएगी, इसलिए मैं रो रहा हूं। रहमत वाले नबी भी रोए। और आते दिन गुजरते गए, हजरत इमाम हुसैन बड़ा प्यार करते हैं, प्यारे नबी बड़ा प्यार करते हैं। जब हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा के गए, हजरत हुसैन की 5 या 6 साल उम्र है और बच्चे हैं अभी, बड़ा प्यार करते हैं। और यही नहीं, नबी के बाद सहाबा बड़ा प्यार करते हैं। आज कई लोग कहते हैं नहीं जी उमर और उमर हुसैन से प्यार नहीं करते थे, हुसैन उमर से नफरत करते थे। नहीं, तवज्जो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबरे रसूल पे खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, बार हुसैन भी बच्चे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर ये भी बच्चे हैं, दोनों खेल रहे हैं। हजरत हुसैन ने जोश में आके कह दिया, ओ देखो मेरी ये अब्दुल्ला है ना, वो सामने जो खुतबा दे रहा मेरा गुलाम है, ये मेरे गुलाम का बेटा है। बच्चे ने जब सुना मेरा अब्बू अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मेरे अब्बा को इसने गुलाम कह दिया। शाम हुई, अब्दुल्ला घर गए, घर जाके कहा अब्बा आपको पता है कि हुसैन ने आपको गुलाम कहा है। अच्छा, उमर बैठ गए, फरमाया बेटा जा जल्दी जा हुसैन से जाकर कह दे जो तूने जुमले कहे हैं मुझे कागज पे लिख दे। हजरत हुसैन ने लिखा कि उमर मेरा गुलाम है, नीचे दस्तखत कर दिए हुसैन इब्ने अली। जब उमर के पास आया ना तो उमर ने कहा अब्दुल्ला जब मैं दुनिया से जाने लगूं, जब मुझे कब्र में रखा जाए, ये कागज का पुर्जा मेरे छाती पे रख देना, अगर नबी ने पूछा मैं बता दूंगा हुजूर जैसे आपकी जिंदगी में मैं आपका गुलाम था, आपके जाने के बाद मैं आपके नवासे का भी गुलाम था। सहाबा हुसैन से बड़े प्यार करते। खैर वक्त नहीं, अब मैं वो किस्सा बयान करने लगा हूं जिसे लोग करबला का वाकया कहते हैं। बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त कम है। दिन गुजरते गए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान हुए। तारीख ने वो वक्त देखा, वो मंजर देखा जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है इमाम हुसैन कूफा में क्यों गए, क्या चीज था जो उनको कूफा में ले गई, तवज्जो है। हजरत अबू बकर का दौर आया, उमर का दौर आया, उस्मान का दौर आया, अली का दौर आया, इनके बाद हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत आई, वो दौर गुजर गया। फिर हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को हाकिम बनाया। यजीद हुकूमत चलाना तो जानता था लेकिन नेक नहीं था बंदा, उस वक्त ठीक था, बाद में खराब हो गया। अब हजरत इमाम हुसैन को जब पता चला यजीद को हुकूमत मिली है, हजरत हुसैन मदीना में, तवज्जो रखना ये बात तो समझने की है, हजरत इमाम हुसैन को यजीद ने खत लिखा कि हुसैन से कहो मेरे हाथ पे बैत करे। ये बातें इल्मी है, समझने की हैं, मेरे हाथ पे बैत करे, मैं हाकिम हूं। लेकिन हजरत हुसैन के पास जब खत पहुंचा ना, मदीना में थे वो भी हुसैनी थे, नबी के नवासे थे, कहा अच्छा यजीद पलीत के हाथ पे मैं बैत करूं जो शराब पीता है, जो शरीयत के खिलाफ मसाइल बयान करता है, मैं जालिम है वो, मैं जालिम के हाथ पे बैत नहीं करता। साहबा ने कहा हुजूर खैर है, क्यों नहीं करते? फरमाया मेरा रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ देना, झूठ का साथ ना देना, मजलूम का साथ देना, जालिम का साथ ना देना, रब का कुरान का हुक्म है, मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं कर सकता। यजीद ने खत भेजा के
इमाम हुसैन को कहो कि मेरे हाथ पे बैत करे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं बैत नहीं कर सकता। हजरत इमाम हुसैन ने अपने अहल खानदान को लिया है, आले उला आले रसूल को लिया है, वहां से चले हैं मक्का में पहुंच गए। मक्का में जाकर जब रहने लगे ना तो कूफियों के खत आना शुरू हो गए। कूफी लोग कहने लगे इमाम ए हुसैन बात यह है यजीद जालिम है, आप कूफा में आ जाएं, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे और यजीद को हम हकूमत से हटा देंगे, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, आप आइए। इमाम हुसैन के पास एक खत आया, दो आए, तीन आए, 100 आए, 200 आए, यहां तक के फरमाते हैं 12,000 खतूत आए, 12,000 खत आए कि हुसैन मक्का कूफा में आए, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, आपके पीछे आपके लिए जान देंगे, आपके खातर हम अपना तन मन धन लुटवा देंगे, आप आइए। ये यजीद जालिम है, जालिम से नजात दिलवाइए, हम यजीद के हाथ पे बैत नहीं करना चाहते, हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जब इमाम हुसैन के पास खत पहुंचे तो दिल में ख्याल आया, इमाम हुसैन ने कहा, वो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर मेरे जाने से जुल्म खत्म होता है तो मैं हुसैन जाऊंगा, मेरे जाने से जुल्म खत्म होता है तो मैं हुसैन जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन जब मक्का से चलने लगे बड़े बड़े सहाबा आकर कहा ए हुसैन ना जाइए कूफा के अंदर, आप नहीं जानते कूफी मुनाफिक है, उन्होंने आपके बाबा अली को शहीद किया, वो आपको भी शहीद कर डालेंगे, ना जाइए। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है मैं अपने पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजना चाहता हूँ। मुस्लिम बिन अकील ये हजरत हुसैन के चाचा के बेटे हैं, मुस्लिम बिन अकील, इनको भेजा के जाओ कूफा में जाओ और लोगों के हालात मालूम करो कि लोगों के हालात क्या हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील आए, आकर देखो लोग जमा हो गए, कोई हाथ चूम रहा है, कोई जनाब बैत कर रहा है और कहने लगे हुसैन हम आपका इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम बिन अकील आप हुसैन को बुलाइए, हम हुसैन के हाथ पे बैत करेंगे। 1,000 नहीं 18,000 लोगों ने बैत की। जब बैत हो गई कहा कि हम जान देंगे तो मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा कि हुसैन हालात ठीक हैं, लोग जाने वाले हैं, लिहाजा आप कूफा में तशरीफ ले आए, ये लोग आपको मानते हैं, आपको हाकिम बनाना चाहते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन के पास खत पहुंचा उधर से कूफियों ने, जब एक आदमी था उसने इब्ने ज़ियाद को यजीद को पैगाम भेजा कि हुसैन को यहाँ लोग चाहने लगे हैं, हुसैन आना चाहते हैं और हुसैन के हाथ पे लोग बैत करेंगे। जब उनके हाथ पे बैत हो गई बात याद रखना तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। यजीद को बड़ा गुस्सा आया, उसने खुर बिन यजीद को 1,000 लश्कर देकर भेजा, पहले इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेजा और कहा हुसैन आए उसे कहना यजीद के हाथ पे बैत करनी पड़ेगी। जब इब्ने ज़ियाद आया इसने चेहरा छुपाया हुआ है, जब कूफा में पहुंचा लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के पास लोग बैठे हैं, जब ये आया लोगों ने समझा हुसैन आए हैं, लोग गरीब है सलाम करने लगे, जब पता चला इब्ने ज़ियाद है, इब्ने ज़ियाद ने खड़े होकर ऐलान किया ओ कूफा वालों मुझे यजीद ने हाकिम बना के गवर्नर बनाकर भेजा है, अगर तुमने मेरे हाथ पे यजीद के हाथ पे बैत ना की तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। और मुस्लिम बिन अकील से कहा कि मेरे हाथ पे बैत कर, वो भी आखिरकार आले रसूल था, आले रसूल में से थे, उन्होंने कहा मैं जालिम के हाथ पे बैत नहीं कर सकता। उन्होंने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिए, इतने जुल्म किए, तीरों की बरछार की, तीरों की बारिश कर दी, वो भी आगे से मुकाबला करते रहे, वक्त कम है, इतने तीर लगे हजरत मुस्लिम बिन अकील जख्मी हो गए, नीचे बैठ गए, जख्मी की हालत में है,
आंखों से आंसू जारी हैं। एक आदमी आया, उसने आकर कहा, मुस्लिम क्या बात है, रो रहे हो? फरमाया, मैं अपनी जान को नहीं रोता, मैं उस नवासे रसूल के लिए रो रहा हूँ जिसे लोग हुसैन कहते हैं। वो अपने 72 सादात के साथ आ रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे भी हैं, 6 बेटे भी हैं, और उनके साथ उनकी बेटियां भी हैं, उनके साथ उनकी बहनें भी हैं, उनके साथ उनके और सारा खानदान है। मैं रो रहा हूं, इन कूफियों ने गद्दारी की है, इन्होंने मुझे माफ नहीं किया, ये मेरे हुसैन को माफ नहीं करेंगे, ये आले रसूल का खून बहाएंगे। मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं आले रसूल के लिए रो रहा हूँ। और कहा, काश आप मेरे, अब आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जाके हुसैन से कह दो, मेरा पैगाम पहुंचा दो, हुसैन ना आइए, इन कूफा वालों ने गद्दारी की है, ये कूफा वाले मुनाफिक है, कूफा में ना आइए। इमाम हुसैन अभी रास्ता में थे, कासिद पहुंचा, उन्होंने जाके मुस्लिम बिन अकील की जाके सारी खबर बयान की और ये कहा, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, ए हुसैन वापस लौट जाइए। हजरत इमाम हुसैन ने वहां काफला रोक लिया, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से मशवरा करने लगे, और लगता है कूफा वालों ने गद्दारी की है, अब जिसका ख्याल हो लड़ने का या मेरे साथ जाने का, मेरी राय तो ये है कि वापस चलते हैं, उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। मुस्लिम बिन अकील के जो अजीज थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा, हुसैन उन्होंने हमारे भाई को शहीद किया है, लिहाजा हम भी बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, हम हुसैन का बदला लेंगे, हम जाने देंगे या जाने लेंगे, हम वापस जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये कही, हुसैन वो मुस्लिम बिन अकील थे, अरे तुम तो हुसैन हो, तुम्हारी शान तो उससे कई दर्जे आला है, तुम तो वो हो जिसको नबी ने कंधों पे सवार किया था, अरे हुसैन तो वो है। एक दफा रहमत वाले नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया, जा रहे हैं, एक सहाबी ने कहा, वाह सवारी कितनी आला है, रहमत वाले नबी ने फरमाया, तुम सवारी देख रहे हो, सवार भी कितना आला है, सवार देखो। साथ वाले कहने लगे, हुसैन तुम्हारी शान बड़ी आला है, तुम्हारा रुतबा और है, तुम्हारा मुकाम और है, वो लोग जब आपको देखेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका इकराम करेंगे, आपके हाथ पे बैत करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे, ये तो वो कूफा वाले हैं जिन्होंने अली को शहीद किया, ये तो वो हैं जिन्होंने इनके बाबों को शहीद किया। हजरत इमाम हुसैन जब कूफा में पहुंचते हैं, करबला का मैदान आता है, दो लफ्ज है, करब वबला, करब कहते हैं मुसीबत को, बला कहते हैं आजमाइश को। हजरत इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं, उधर से हुर बिन यजीद आता है 1000 का लश्कर लेकर यजीद की तरफ से। इसने कहा, हुसैन तेरा चेहरा बड़ा प्यारा है, तेरा मुस्तफा वाला चेहरा है, लिहाजा मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है, खुदा के लिए वापस लौट जाइए, आप यजीद के हाथ पे बैत कर ले वरना वो आपको शहीद कर डालेगा। हुसैन ने कहा, सोनिया मैं उस नबी का नवासा हूं जिस पे दीन उतरा है, आज अगर मैं झुक गया तो क्यामत तक आने वाले मुसलमानों का क्या बनेगा, उम्मत का क्या बनेगा, नहीं मैं बैत नहीं कर सकता।